हंस और हंसा, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके नाम के पीछे हंस और हंस हंसा लिखा होता है। ये एक बार मुझे जो कहानी है, डॉक्टर भदंत ज्ञानरत्न महाथेरा जो डॉक्टरेट करके आए थे श्रीलंका से, उन्होंने एक देशना में सुनाई थी, मुझे याद है। जो देवदत्त है, देवदत्त कौन है? जो सुपबुद्ध सिद्धार्थ गौतम के जो मामा हैं, यानी सिद्धार्थ गौतम संस्कृत भाषा है, सिद्धार्थ नाम उनका ओरिजिनल है। सिद्धार्थ गौतम के जो मामा हैं सुपुत्र बहुत, उनका बेटा है, देवदत्त है। देवदत्त का मतलब है अच्छे लोगों का दिया हुआ, देवदत्त यानी देव ने दिया हुआ। तब तक बांस के तीर बन चुके थे, धातु भी आ चुकी थी, जैसे तांबा और सोना, ये धातु आ चुकी थी। तो छोटे छोटे तीर बड़े खतरनाक हुआ करते थे, उससे शिकार भी हुआ करते थे। देवदत्त चूंकि वो बहुत संपन्न परिवार था, उनके पास बहुत खेत थे और उनका कुनबा बहुत बड़ा था, तो देवदत्त तीरंदाजी करता रहता था, कॉमन बात थी, क्योंकि ये उस समय का आखेट या खेल हुआ करता था। और वो चिड़ियों पे, जानवरों पे निशाना लगाता, घूमता रहता था। जो सिद्धार्थ हैं वो चूंकि बहुत धीर गंभीर शुरू से रहे हैं, तो वो ऐसे काम नहीं करते थे, जानते वो सब थे, क्योंकि उनमें साधना तपस्या बहुत पहले से बचपन से अंदर पैदाइशी उनके अंदर गुण था। एक बार देवदत्त एक हंस उड़ रहे होते हैं, बहुत सारे हंसों पर निशाना मारता है और एक हंस के तीर लग जाता है, हंस नीचे गिर के घायल होके आ जाता है। जहां वो घायल होके गिरता है वहां पे सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए हैं, बच्चे हैं। वो हंस तड़पता है, उनको देखा नहीं जाता और वो उसका तीर निकालते हैं। कहानी जैसा उन्होंने मुझे बताई और सुनाई। तीर निकालने के बाद उसकी मरहम पट्टी करते हैं, पानी पिलाते हैं और वो उसके साथ में खेलते हैं। इतने ही देवदत्त वहां आता है। देवदत्त हंस को मांगता है, मगर ना तो हंस जाने को तैयार है और ना ही बुद्ध कहते हैं कि ये देना है। झगड़ा होता है, झगड़े होने में घर वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा कुनबा इकट्ठा हो जाता है। और जो अमितोदन है और जो शुद्धोदन है और जो सुपबुद्ध है, वो तीनों के तीनों सब आपस में बैठ जाते हैं, क्या किया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। फैसला ऐसा होना चाहिए कि घर में किसी को ये महसूस ना हो कि सुपबुद्ध की तरफ झुके, देवदत्त की तरफ झुके या सिद्धार्थ की तरफ झुके। तो इससे बचने के लिए एक युक्ति निकाली जाती है कि चूंकि हंस प्राणी है तो ये अपना फैसला खुद ही कर लेगा। और एक तरफ सिद्धार्थ को बैठाया जाता है, एक तरफ देवदत्त को बैठाया जाता है और बीच में उस हंस को छोड़ा जाता है जो घायल है। और हंस धीरे 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 चलता हुआ सिद्धार्थ के पास, सिद्धार्थ गौतम के पास पहुंचता है। झगड़े का समापन हो जाता है। समापन क्या होता है? दरअसल एक बड़ी बात ये हो जाती है, ये सिद्ध हो जाता है कि क्रोध और घृणा और हिंसा और पाप और लालच और जो ये हत्या है, इसकी जीत नहीं हुई, इसकी हार हो गई। और जो करुणा है, दया है, ममता है, प्यार है, भाईचारा है, उसकी जीत हो गई। ये संदेश उस समय बहुत बड़ा संदेश था। जो आसपास मोहल्ले में जितने भी लोग कपिलवस्तु में इस तमाशे को देखने आए और जिन्होंने ये देखा कि हंस चलता हुआ धीरे 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 आया, तो उन्होंने हंस की जय बोली, हंसा की जय, पता नहीं वो हंसा थी या हंस थी, हंस और हंसा की जय बोली। और बहुत सारे बच्चों के नाम बाद में हंस और हंसा पे रखे गए। आज तक भी उस हंस और हंसा को याद करके लोग अपने नाम के पीछे हंस रखते हैं, उसी खानदान के लोग, उसी परिवार के लोग, जो हंस और हंसा की कहानी को अपने बच्चों को बताते हैं कि करुणा मैत्री भाईचारा ज्यादा बड़ा है बशर्ते किसी को मारने के, हिंसा के, या किसी की हत्या करने के, या जान लेने के, या क्रोध करने के। और जितने भी हंस वाले लोग हैं आज के समय में, वो भी करुणा मैत्री भाईचारे पर ही अपना विश्वास टिका के रखते हैं। वो ना हिंसा करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना वो व्यभिचार करते हैं। वो आज भी सीधे साधे बलिष्ठ लोग हैं, मजबूत लोग हैं। ऐसा डॉक्टर भदंत ज्ञानरत्न महाथेरा जी ने मुझे बताया। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है,
हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।